हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आइए आप सभी लोग। गुड इवनिंग सर एंड मैडम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और अपने अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज रात को 9 बजे हिस्ट्री होगी, ध्यान रखना, ठीक है। हिस्ट्री 9 बजे वाली क्लास में, जो SSC वाले चैनल पर, ठीक है, SSC एग्जाम पोर्ट पर 9 बजे वहां पे, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ढंग में पढ़ना चाहते हो, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप एग्जाम पोर्ट के थ्रू ऐप पर प्रिपरेशन करना चाहते हो निर्माण से, ठीक है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो प्री और मेंस के लिए। अब ये नहीं आएगा अगली क्लास से, ठीक है, मतलब ये वाला पोस्टर नहीं आएगा। अब तुम देख लेना अगर तुम्हें करनी है तो वहां पे, ओके। चलो, बोलते हैं तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, तो कौन सा बन गया? तो वो बना है, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश, है ना। ध्यान रखोगे कौन बना है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। देखो MP सरकार ने, है ना, ध्यान रखोगे, एक योजना निकाली, ध्यान रखोगे क्या, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। क्या निकाली उन्होंने, मुख्यमंत्री तीर्थ, ध्यान रखोगे, दर्शन योजना। ये एक योजना आई है इनकी, ठीक है, नया इनका एक प्लान है, ठीक है। अब इस योजना के तहत ये क्या कह रहे हैं, चाहे तो आप रेल से चले जाओ, चाहे आप जहाज से चले जाओ, आपका खर्चा सरकार देगी, ठीक है, ध्यान रखोगे, आपका खर्चा सरकार देगी। अब तक सरकार ने, पता है आपको, मतलब ऐसा कहते हैं MP सरकार कहती है कि हमने तकरीबन अब तक 782 विशेष ट्रेन चलाई है, ध्यान रखोगे, बिल्कुल अलग तरीके की ट्रेन चलाई है 782, जिसमें हमने तकरीबन 782,000 लोगों को ही तीर्थ का यात्रा करा दी है, तीर्थ यात्रा करा दी है। और ऐसे ही अभी 32 लोगों को और भेजा है, ध्यान रखोगे, अभी 32 लोगों को और भेजा है भोपाल से प्रयागराज, ये ध्यान रखना, भोपाल से कहां भेजा है, प्रयागराज भेजा है। यानी कि हमारी समझ में आ गई कि ये योजना बहुत बड़े लेवल की है और एक सक्सेसफुल योजना है मध्य प्रदेश की, इतना हमें पता लगा, क्लियर है। लाडली लक्ष्मी योजना इन्हीं की है, ध्यान रखोगे, लाडली लक्ष्मी योजना ये किसकी है, ध्यान रखोगे, इन्हीं की है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो वो इसी की है, MP की ही, जो बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोलता है सिद्धि विनायक मंदिर आपको कहां लगता है, दिल्ली में है या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में या फिर मुंबई महाराष्ट्र में, कहां पर है, है ना, कौन सा मंदिर सर जी, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, है ना। तो ये होगा सर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र में है, कहां पे है सर ये, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। वहां ये किस भगवान जी को ये समर्पित है, है ना, तो ये भगवान जी हमारे गणेश भगवान जी को समर्पित है, ध्यान रखोगे, गणेश भगवान को समर्पित है, ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछे, है ना, गणेश भगवान को ये समर्पित है। और ऐसा मानते हैं कि इसका जो सूंड है वो किस तरफ को जा रहा है, यानी कि वो जा रहा है हमारे राइट की तरफ को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, राइट की तरफ, यानी कि हमारे दाएं की तरफ को, क्लियर हो जाएगा, इनका जो सूंड है वो राइट की तरफ को जा रहा है, जो बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। मुंबई में ही काला घोड़ा फेस्टिवल खेला जाता है, मतलब मनाया जाता है, काला घोड़ा फेस्टिवल, है ना, ध्यान रखोगे, ये त्योहार, ये चीज आप ध्यान रखना, ये कहां पर मनाया जाता है, मुंबई के अंदर, ओके, क्लियर हो जाएगा, इतनी चीज समझ गए आप लोग, ओके डन। अब नेक्स्ट आ जाओ, मुंबई में सर पोवई, एक तो झील पड़ती है यहां पर पोवई, एक पड़ती है तुलसी, एक पड़ती है विहार, ये भी झील आप ध्यान रखोगे मुंबई से, है ना, ध्यान रखोगे। और इधर क्या पड़ेगा हमारे लिए, यहां पर मुंबई से थोड़ी दूर पर ही आपको एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी, एलिफेंटा केव्स दिखाई दे जाएंगे यहां पर, ये गुफाएं भी हैं, तो इससे रिलेटेड हम ये भी याद करते चले ताकि पुराना याद आ जाए हमको कुछ। बोलते हैं सर ये बताइए, हाल ही में किस बीमारी के कारण बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय ग्लानी का निधन हो गया, है ना, जरा बताओ कौन है अब, ठीक है, शाबाश, ये कहते हैं एक राइट आंसर, इधर क्या लगाओगे, ये है बॉलीवुड के बहुत बड़े फेमस, क्या नाम है जी इनका, वो क्या, ध्यान रखोगे, ग्लानी, विजय ग्लानी, उनकी डेथ हो गई। अब ये जो डेथ हुई थी अभी नहीं हुई है, 2021 में हुई थी और ये तकरीबन दिसंबर के टाइम पर हुई है ना, दिसंबर 2021,
वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। कई सारी इन्होंने मूवीज बनाई सलमान खान के साथ, गोविंदा के साथ, अक्षय कुमार के साथ, बहुत सारी इन्होंने मूवी बनाई थी। सक्सेसफुल ये डायरेक्टर थे, मतलब प्रोड्यूसर थे, ध्यान रखना आप, ठीक है, यानी कि पैसा लगाने वाले थे, डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर थे। नेक्स्ट आ जाओ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा? तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र, है ना। कौन से की बात बोली? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इधर देखो सर जी, ये पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो जाता है, एमपी का मैप हो जाता है जैसे, अब ये किधर पड़ेगा? यहां, है ना। यहां पर क्या पड़ेगा सर? सिवनी और छिंदवाड़ा पड़ते हैं। कौन से जिले पड़ते हैं? सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है सर जी, हमने ये देख लिया, सिवनी और छिंदवाड़ा इन्हीं में है ये, है ना। क्या है, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश के अंदर सिवनी और छिंदवाड़ा में ये पड़ता है। कौन सी नदी जाती है यहां से सर? पेंच नदी जाती है, पेंच नदी जाती है यहां से, ये चीज आप ध्यान रखोगे यहां से, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक मेन चीज, ये तो ठीक है, इसको 1965 में एक वन्य जीव अभ्यारण बनाया गया पहले, ध्यान रखोगे, क्या बनाया गया? वन्य जीव अभ्यारण डिक्लेयर कर दिया गया इतने एरिया को, इसी को फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1975 में, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। इसके बाद आगे क्या किया गया, 1992 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको बड़ा दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का, है ना, और उसी में से कुछ एरिया और छांट के टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। तो इतनी चीज हम इसके बारे में याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बोलता है सर जी, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023, है ना, नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? किधर आयोजित किया भाई? अब तुम्हें ये नाम जो है अल मोहद, है ना, एक अरबी सा नाम लग रहा होगा, ध्यान रखोगे, और अल हिंदी, अब जरा बताओ ये कहां, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, ईरान या फिर श्रीलंका, ये अभ्यास कहां किया गया है ये बताओ, किस देश के बीच है और हुआ कहां है, है ना। देखो जी, ये हुआ सऊदी अरेबिया के बंदरगाह पर, ध्यान रखोगे, सऊदी अरब और भारत के बीच में हुआ ये, ठीक है। कब? 21 मई को यहां पहुंच गए हमारे जहाज, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, 21 मई को हमारे यहां जहाज पहुंच गए, हमारा INS तरकस वहां पहुंच गया, ये बात ध्यान रखना, 21 मई को, और ये सऊदी अरेबिया के पोर्ट पर, यानी कि वही बंदरगाह पर होगा, ठीक है। ये 2021 में सबसे पहली बार हुआ था, ठीक है सर जी, 2023 में ये अब जो है ध्यान रखोगे सेकेंड टाइम हो रहा है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, बस ऐसे आपने ध्यान रखनी है। सऊदी अरेबिया के साथ पहली बार कब हुआ ये? 21 में, और सेकेंड टाइम कब हो रहा है? 23 में। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्या आपको लगता है दीवार द्वीप गोवा का? ना सर, ये तो नहीं है। क्या आपको लगेगा क्विबल द्वीप तमिलनाडु का? नहीं, ये भी नहीं है नदी द्वीप। मुनरो द्वीप है केरला का? नहीं, वो भी नहीं है। क्या वेलिंगटन द्वीप है केरला का? नहीं, वो भी नहीं। माजुली द्वीप असम का है? यस, वही है, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप जो नदी के बीचों बीच बना हुआ है, नदी ने वो बनाया है, है ना, ध्यान रखोगे। जैसे कि नदी बह रही है, नदी दो भागों में बट गई है, फिर आगे जाके मिल गई है, तो बीच में क्या बन गया? ये द्वीप। तो ऐसा द्वीप है माजुली, असम के अंदर है, और ये एक जिला है, है ना, बहुत ज्यादा इस पर पॉपुलेशन रहती है, एक जिला है, ये बात ध्यान रखोगे। अब अगर आपसे पूछा जाए सर सबसे छोटा कहां है, फिर छोटा भी वही है, उसका नाम है उमानंदा, उमानंदा द्वीप, इसको बोलते हैं सबसे छोटा नदी द्वीप। हालांकि नदी द्वीप तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन इसको बोल देते हैं, ये चीज ध्यान रखना, उमानंदा द्वीप, ठीक है। इसको मयूर द्वीप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मयूर द्वीप भी बोल देते हैं, मोर के पंख जैसा दिखाई देता है उमानंदा द्वीप। ये हमारे असम में पड़ेगा, असम से आपको ये चीज समझ में आई, असम ध्यान रखना, असम हमारे लिए कई मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर कहीं जनसंख्या है किसी राज्य में तो इसी में ही है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य पड़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखोगे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर आ जाता है गुवाहाटी। वहीं पर ध्यान रखोगे एक नीलांचल पहाड़ी पड़ती है, उसी के ऊपर क्या है, कामाख्या का मंदिर है, है ना जी, कामाख्या देवी का मंदिर पड़ेगा आपको। जून में वहां पर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जून जो अगला महीना आ रहा है वहां पे फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखोगे आप, है ना। यहाँ पर 14 है लोकसभा की और 7 है राज्यसभा की असम के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा चित्र नए 200 के नोट के पीछे की तरफ मुद्रित है? मंगलयान, लाल किला, सांची स्तूप, हम्पी का रथ, तो क्या लगाओगे कौन सा है इसमें से, है ना। तो देखते हैं,
कहता है सर 200 के नोट के लिए। भाई अगर आप 5 रुपए का देखेंगे उस पर तो ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान दिखाई देगा ना हमें, राइट। अगर हम 10 रुपए का देखेंगे तो हम देखेंगे कौन सा, सूर्य मंदिर देखेंगे, है ना, सूर्य मंदिर देखेंगे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कोणार्क का, है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए पर हम क्या देखेंगे, एलोरा की केव्स देखेंगे, एलोरा गुफाएं, है ना भाई, ये छपी हुई है, ये बात ध्यान रखना। 50 पर हम देखेंगे हम्पी का रथ देखेंगे, हम्पी का रथ, है ना भाई, ये देखेंगे। और अगर हम देखें 50 रुपए हो गए, उसके बाद अगर हम देखें 100 रुपए पे रानी की वाव, है ना, रानी की वाव छपी हुई मिलेगी। 200 पे क्या मिलेगा, 200 रुपए पे सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, सांची का स्तूप, राइट। और हमें 500 पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे 500 पर देखने को मिलेगा आपको लाल किला, है ना। और जो 2000 का भी आया था उस पर क्या देखने को मिलेगा, मंगलयान। वैसे अब तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, चलो ये चीज आप ध्यान रखना। ये हो गया हमारा सी इज राइट आंसर। अब तो मुश्किल ही है कि देखने को मिले, ठीक है, ध्यान रखोगे। 200 वाला हमसे पूछा, 200 का सांची का स्तूप हमने बता दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना सारे के सारे। नेक्स्ट बोलता है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जरा बताओ क्या लगाओगे, फियरलेस गवर्नेंस, क्या आपको नारायण स्वामी लगते हैं या फिर स्वाति चतुर्वेदी या फिर आपको लगाएंगे चिदंबरम या फिर किरण बेदी, क्या हो जाएगा, ठीक है, जरा बताओ क्या है, है ना। बोला हमसे सर फियरलेस गवर्नेंस के बारे में बोला, है ना, फियरलेस गवर्नेंस। अब इसके बारे में जो 24वीं एलजी थी ना, कहां की 24वीं एलजी, और भारत की पहली आईपीएस थी वो, है ना, पुदुचेरी की, ध्यान रखोगे पुदुचेरी की 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उपराज्यपाल, और भारत की पहली आईपीएस थी वो, नाम है उनका किरण बेदी, तो उन्हीं की है ये, ध्यान रखोगे किरण बेदी, ये बात ध्यान रखना। तो बस इतनी चीज आप ध्यान रखोगे, किरण बेदी इज द राइट आंसर, है ना, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर अभी कौन है पुदुचेरी के, है ना, तो ध्यान रखोगे तिमिलसलाई, ठीक है, तिमिलसलाई सौंदराजन, ये ध्यान रखना सौंदराजन ये है अभी, ओके। और ये तिमिलसलाई सौंदराजन अभी बने हैं मई 2022 में एलजी, कहां के, पुदुचेरी के, ये चीज आप ध्यान रखना पुदुचेरी के, यानी कि किरण बेदी हट गई वहां से, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर, दिल्ली के कौन है, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना है। कहता है कपिलेश्वर मंदिर जिसे एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, अब किस राज्य में स्थित है वो। भाई सीधी बात है, अगर एएसआई इसको संरक्षित स्मारकों की सूची में डाल देगी तो इसके रखरखाव का काम वही करेगी, है ना, और अच्छी बात है कि इसकी उम्र और बढ़ेगी, इसकी उम्र ऐसे है कि जब ये रखरखाव का काम वो करने लगेगी तो उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। चलो एक सर मेरा एक आर्मी का एग्जाम क्लियर हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छे, धुआं पढ़ना बंद मत करना बट आगे बढ़ो ऐसे ही, ठीक है। देखो क्या लगाओगे, कपिलेश्वर मंदिर जिसे एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है ना, तो वो किस राज्य में है, तो वो सर हमारा उड़ीसा में पड़ेगा, डी इज राइट आंसर, तमिलनाडु नहीं है, गलत हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर है। कौन सा है, कपिलेश्वर मंदिर है सर, कपिलेश्वर मंदिर, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है कपिलेश्वर मंदिर। अब इसने एएसआई ने क्या कर दिया, इसको भाई संरक्षित स्मारक की सूची में डाल दिया, सीधी बात है कि अब वही देख रखरखाव का काम करेगी, यही अच्छी बात है, बस और कुछ खास नहीं है। यहां पर क्या मंदिर और पड़ता है उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर पड़ता है ना, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, कौन सा, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। एक है समालेश्वरी मंदिर, अगर ध्यान रख सको तो रख लेना समालेश्वरी, ठीक है, ध्यान रखोगे ये मंदिर भी यहीं पर पड़ता है, ओके, समालेश्वरी, ये भी उड़ीसा में ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है सर एकल नागरिकता की अवधारणा हमने किस देश से अपनाई है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, एकल, तो क्या लगाओगे एक राइट आंसर, एकल नागरिकता, अमेरिका, फ्रांस, इटली और यूके, तो क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, एकल नागरिकता की बात करी भाई, एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता की बात करी है, ठीक है सर जी, ये हमने देखा एकल नागरिकता। अब भाई हमारे यहां, हमारे देश में, हमारे संविधान की एक खास बात है, आपको पता है कि यहां पर एकल नागरिकता चलती है, हमने वो कहां से चुराई थी, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, है ना भाई, ध्यान रखोगे यूनाइटेड किंगडम से वो हमने कॉपी करी थी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अमेरिका में कैसी चलती है सर नागरिकता, वहां दोहरी चलती है ना जी, वहां स्टेट और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो हमने यहां से चुराई है।
क्या हमने कभी इटली से कुछ चीज चुराई है? नो सर, हमने इटली से कुछ चीज नहीं चुराई है, ये चीज ध्यान रखना, उसके संविधान से हमने कुछ चीज कैप्चर नहीं करी है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, किया गया था क्योंकि चला गया ना ये, तो अब तो क्या लगाते हो, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? देखो भाई, मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी ने, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मोदी जी ने 12 जनवरी को आप क्या बनाते हो, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, है ना, ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन भी मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सम्मेलन इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इसलिए कब से मना रहे हैं सर हम इनको, ये कितने में नंबर का था, हम इसको मना रहे हैं 1995 से, ठीक है, और ये जो था 2023 का, ये सर 26वें नंबर का था, तो हमने सर 25वें नंबर का कहां मनाया था, 25वें नंबर का हमने पुदुचेरी में मनाया था, पुदुचेरी, ये याद रखोगे, पुदुचेरी के अंदर, और ये हमने 26वां कर्नाटका में मनाया है, ठीक है, ध्यान रखोगे, हुबली और धारवाड़ के अंदर, कहां पर मनाया है, हुबली और धारवाड़, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वहां इलेक्शन थे तो इस बार हम वहीं मनाते, है ना भाई, सही बात है, वहां इलेक्शन थे तो वहीं मना सकते थे हम, तो ध्यान रखोगे, पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में, ये 26वें नंबर का था इस साल, पिछली बार 25वें नंबर का पुदुचेरी में मनाया गया, 1995 से हम इसको मना रहे हैं, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, है ना, स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे आता है उस पर हम इसको मनाते हैं, बोलते हैं क्या, पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है सर जी? अवनी लेखरा ने जीता है, या फिर मनु भाकर, या फिर आप लगाओ गगन नारंग, या फिर अपूर्वी चंदेला, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, पैराशूटिंग की बात बोला उसने, पैराशूटिंग, है ना, आओ देखते हैं पैराशूटिंग में इसमें कौन सा हो जाता है सर, अवनी लेखरा इज द राइट आंसर, 2021 में उनको क्या मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना, इन्हीं को मिला था ना, क्यों मिला था इनको भाई, इन्होंने जो 2020 वाला ओलंपिक था जापान का, वहां उन्होंने 10 मीटर में तो गोल्ड जीता था, है ना भाई, ये मेडल जीता, 50 मीटर में इन्होंने क्या जीता, 50 मीटर में सर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो दो दो मेडल जीतने वाली पहली महिला थी एक ही ओलंपिक में, है ना, दो दो मेडल जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक महिला थी, ये भी बात आप ध्यान रखना, इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से पहली महिला थी, चलियो इतनी हो। अच्छा पता है अवनी लेखरा को अगर आपसे पूछने लगे, इनको ये तो मिल गया इसमें, इनको पद्मश्री कब मिला, पिछले साल, ध्यान रखना, पद्मश्री इनको 2022 में मिला है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है कर्नाटक राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं सर जी? अब जरा सोच के लाओ भाई कितने हैं, कर्नाटक में भी चुनाव हुए हैं, है ना, तो जरा बताओ कर्नाटक में भी चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या लगते हैं आपको सर जी? कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को बना था, है ना, ये राजधानी बेंगलुरु हो जाती है, बेंगलुरु, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बेंगलुरु को हम सिलिकन वैली के नाम से जानते हैं या फिर सिलिकन सिटी के नाम से जानते हैं, है ना, और यहां पर अगर हम बात करें सर जी कमल का, तो ध्यान रखोगे कमल का तो यहां पर पुष्प है, कमल का क्या है यहां पर, पुष्प यानी कि फ्लावर, है ना भाई, ध्यान रखोगे चंदन का पेड़ है यहां पर, ध्यान रखोगे चंदन का पेड़ है, हाथी को याद रखोगे, हाथी क्या है इनका, पशु है पशु, और नीलकंठ इनका पक्षी है, है ना, नीलकंठ इनका क्या है, वो पक्षी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, लेकिन 75 वाले हैं, याद है, क्या बात है पुष्पेंद्र, बहुत अच्छा, ठीक है, 75 इज द राइट आंसर, 224 तो यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, और यहां पर तो विधान परिषद भी है, तो यहां पर विधान परिषद की 75 हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, 28 यहां पर लोकसभा की है, 12 यहां पर राज्यसभा की है, है ना, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना, अच्छा ये बताओ कि पंपा सरोवर किस राज्य में है, लेख जरा बताओ कमेंट में, अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो किसने जीता है जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, तो बोलता है प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर सर वो पीआर सृजेश ने जीता है ना, ये गोलकीपर है, गोलकीपर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, किसके, हॉकी में, ये भी चीज आप ध्यान रखो, हॉकी में ये गोलकीपर का काम करते हैं पीआर सृजेश, और अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए इनको ये मिला है, ठीक है, समझ गए आप लोग, क्लियर, और ये इसको जीतने वाले सेकंड भारतीय हैं, सेकंड भारतीय, ये बात ध्यान रखना,
तो सर फर्स्ट भारतीय कौन है? रानी रामपाल, ये याद रखोगे, रानी रामपाल। उनको 2019 के प्रदर्शन के लिए 2020 में उन्हें दिया गया था, ये ध्यान रखना आप, रानी रामपाल को। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक, है ना। अगर आपसे पूछने लगे सर FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना तो सर पेरिस के अंदर हुई थी, है ना, पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है आज? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका आज हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं सर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कोई एक वर्ड है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो वो गुगली है, फुल टॉस है, शॉर्ट पिच है, या फिर स्ट्राइकिंग सर्किल लगता है आपको, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे एक राइट आंसर क्या होगा? देखो भाई, कहता है ये शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अब आपने गुगली सुना होगा क्रिकेट में, ऑब्वियसली आपने फुल टॉस सुना होगा, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखोगे शॉर्ट पिच सुना होगा, लेकिन आपने स्ट्राइकिंग सर्कल नहीं सुना होगा, हॉकी में सुना होगा, है ना। देखो क्या होता है, जैसे ये हॉकी का ग्राउंड है भाई, इधर गोल पोस्ट है, इधर गोल पोस्ट है, ठीक है, और ये आपका ये जो सर्कल है स्ट्राइकिंग सर्कल बोला जाता है, ठीक है। अब जब कोई गोल करने वाला होता है प्लेयर, है ना, तो अपने बाकी साथियों के साथ वो यहाँ अपने बाकी साथियों को इस एरिया में सजा देता है, वो लगा देता है कि भाई जल्दी आओ, मैं तुमको पास करूंगा, तुम उसको करना और फटाफट गोल कर देना, है ना। तो ध्यान रखोगे स्ट्राइकिंग, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो ये हमारा हो जाता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या लगाओगे, है ना, कुछ कट रहा है क्या साइड वाइड से, क्योंकि भाई ये बोर्ड छोटा है, जो दो दिन से मैं यूज कर रहा हूँ 5 बजे वाली क्लास में, बोर्ड छोटा है, मैं इधर खड़ा होता हूँ, मैं ही नहीं दिखता, आधा अधूरा दिखता हूँ, ठीक है। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो लखनऊ 1931, कराची 1933, या फिर लाहौर 1940, या फिर कराची 1943, बांटो और छोड़ो, है ना, उसका नारा दिया था, और जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो भाई बात ऐसी है सर, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले? किसका सिद्धांत? द्विराष्ट्र, क्या भाई दो भैया राष्ट्र दो भागों में बढ़ जाना चाहिए, मोहम्मद इकबाल ने दिया था सर, मोहम्मद इकबाल, ये चीज आप ध्यान रखना, है ना, क्लियर है, मोहम्मद इकबाल ने दिया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत, ये बात आप ध्यान रखोगे। पाकिस्तान जो वर्ड था इसका मतलब होता है शुद्ध, ये चीज ध्यान रखोगे, पाक शुद्ध, ये जो नाम था ये किसने दिया है पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रखोगे चौधरी रहमत अली, और ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे 1933 से 35 के बीच में, है ना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान होगा कैसा, उसमें क्या क्या इलाके आएंगे, है ना, ये सब किसने बोला था? ये बोला था फजलुल हक ने, ये चीज आप ध्यान रखना, फजलुल हक, है ना, और सिकंदर हयात खान, उन्होंने बोला था कि इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, मतलब कौन कौन से एरिया आएंगे जब जाके पाकिस्तान बनेगा, ठीक है जी। फिर 1943 का जो एक कराची अधिवेशन था, इसमें बोला गया कि बांटो और छोड़ो, ध्यान रखोगे डिवाइड एंड रूल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो गया, सॉरी डिवाइड एंड लीव, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, डिवाइड एंड रूल नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड लीव, ये चीज आप ध्यान रखना, तो इसमें ये बोली गई थी, ठीक है। और पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए कब बोला गया था? 23 मार्च को बोला गया था, ध्यान रखना 1943 को, ये पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए, है ना, ध्यान रखोगे पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए बोला गया, ये भी चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। कौन सा देश, देखो पहले जब मुस्लिम लीग बनी थी, जब जिन्ना इतने एक्टिव नहीं थे, ये ध्यान रखना, जिन्ना धीरे धीरे बाद में एक्टिव होते हैं मुस्लिम लीग के अंदर, क्लियर है। कौन सा देश साल 2023 में होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। तो बोलता है सर, कहते हैं एक राइट आंसर, कौन सा देश, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा देश 2023 में होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? फ्रांस करेगा, जर्मनी करेगा, मोरक्को, या फिर पुर्तगाल? कर दी, देखो बात आपको पता है ना, कि ये बात बोली गई थी 16 दिसंबर 2022 को, ये बात बोली गई फीफा की तरफ से, क्या बोली गई, देखो एक तो होता है फीफा फुटबॉल विश्व कप, एक होता है क्लब उनका, ध्यान रखना, ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप, ये चीज आप ध्यान रखना, ये क्लियर हो गया, फुटबॉल क्लब विश्व कप, ये फीफा का एक अलग इवेंट है, इसको कराने के लिए उन्होंने बोला कि हम मोरक्को में कराएंगे ये, ठीक है, और ये 1 से 11 फरवरी के बीच में हुआ था, कहां हुआ, मोरक्को देश में हुआ, मोरक्को अफ्रीका के अंदर ही तो आता है यहां पे, है ना,
तो ये बोला ना उसने कौन सा देश है जो ये मेजबानी करेगा, मोरक्को करेगा, मोरक्को ने कर ली। मोरक्को ऐसा नहीं है, 2013 में भी कर चुका था इसकी मेजबानी और 2014 में भी कर चुका था, ये ध्यान रखना। ओके क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। बोलते हैं विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है तुम्मलपल्ले, ये आपको किस राज्य में मिलेगी, या कल को आ जाए कि तुम्मलपल्ले की खान कहां है तो आपका क्या आंसर होगा कि सर ये तुम्मलपल्ले की खान आपको किस में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के अंदर ये यूरेनियम के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम को बोला गया है कि हम इसी को बना लेंगे, अब जनवरी में बोला था वहां के जगमोहन रेड्डी जो सीएम है उन्होंने बोला, ठीक है, और जगमोहन रेड्डी ने ये तो बोला ही बोला। विशाखापट्टनम के पास एक क्या मिलेगी आपको, अराकू घाटी भी देखने को मिलती है, अराकू घाटी, नल्ला मल्ला, पालकोंडा और वेलीकोंडा, ये पहाड़ियां भी यहीं पर ही है, ये भी ध्यान रखना है ना, नल्ला मल्ला है ना, पालकोंडा और वेलीकोंडा, ये चीज आप ध्यान रखना, पालकोंडा वेलीकोंडा, ये वाली हिल्स भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। बस काम खत्म, गलत मत कर देना, अगर गलत हो जाएगा तो चूना लग जाएगा बेवजह एक क्वेश्चन का। इधर दिखाओ, 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है, उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल या फिर पंजाब, तो क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, तो क्या होगा एक राइट आंसर इसमें से। बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, क्या पंजाब के अंदर मनाया जाता है, नहीं सर, हम तो वहां लोहरी सुन लेते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे लोहरी सुन लेते हैं हम, क्या हाँ वहां मनाया जाता है। तीज राजस्थान में मनाया जाता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन इसमें कौन सा, मेघालय इज द राइट आंसर। अगर आपने एमटीएस का एग्जाम दिया होगा तो पहले दिन एक चीज पूछी गई थी कि हार्वेस्टिंग त्योहार मेघालय का कौन सा है ना, तो वो कौन सा है, वांगला, है ना भाई, पता है ना आपको वांगला त्योहार मनाया जाता है यहां पर, है ना, ध्यान रखोगे क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। कौन सी खासी जनजाति मनाती है, कौन सी जनजाति मनाती है, खासी जनजाति, वांगला त्योहार, उसी को बोलते हैं 100 ड्रम महोत्सव, ओके, मेघालय के अंदर। बस इतनी सी तो बात थी इसमें, ये चीज कितने दिन, 2 दिन तो बड़ा जोर रहता है इसका, 2 दिन जोर रहता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली भाई, एक तो होगी छोटी दिवाली, एक होगी बड़ी दिवाली, लेकिन पटाखे पहले से ही फूटने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे वट पिट पाट पट पट करते रहते हैं, उसके बाद भी 10-15 दिन तक धूम धड़ाक धूम धूम चलते रहता, तो इसमें भी है, ठीक है, मनाने को थोड़े बहुत दिन तक मना लेते हैं, लेकिन 2 दिन तक जोर रहता है इसका, ये चीज ध्यान रखोगे मेघालय से। नेक्स्ट आ जाओ, उड़ान योजना का पूर्ण रूप क्या लगता है आपको, तो कौन सा होगा, शहरी विकास और राष्ट्रीय विकास, या फिर आपको लगेगा इसमें से उड़े देश का आम नागरिक, शहरी घरेलू विमानन राष्ट्रीय मिशन, या फिर केंद्रीय रक्षा और विमानन नेटवर्क। देखो जी, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो योजना थी सर 27 अप्रैल से शुरू हुई थी, है ना, 27 अप्रैल 2017 से किसने, मोदी जी ने शुरू करी थी, ये चीज ध्यान रखना, और ये एक बहुत तगड़ी फ्लॉप हुई है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। उड़ान योजना ये क्या थी, उड़े देश का आम नागरिक, कि हम जो है टिकट के प्राइस इस योजना के तहत आप अगर बुक करोगे, है ना, अपनी फ्लाइट को बुक करोगे, कहीं आपको जाना है देश में तो आप जा सकते हो, है ना, आप उसमें बहुत कम रुपए आपसे लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितना वहां लिया जाता है उससे 2-4 रुपए कम करके लिए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। उड़े देश का आम नागरिक, इसको 6 साल हो चुके हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, कुमारी किस प्रकार की खेती पश्चिमी घाट में की जाती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, कुमारी ये पश्चिम घाट में की जाने वाली एक खेती है, लेकिन ये किस प्रकार की खेती है, जरा बताओ क्या लगाओगे आप, वृक्षारोपण खेती है, बागवानी, गहन कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, तो ये कैसी आपको लगती है ना। देखो सर, हमारे देश में ना आदिवासी लोग कई तरीके की खेती कर लेते हैं, है ना, कई तरीके की, जैसे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में जो वो करते हैं खेती, उसको क्या बोला जाता है, स्थानांतरी कृषि बोला जाता है, स्थानांतरी कृषि बोला जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में होती है हमारे यहाँ, या फिर हम इसको स्लैश कृषि बोल देते हैं, स्लैश, या फिर हम इसको बर्न कृषि बोल देते हैं, है ना, कई प्रकार से हम इसको नामों को जानते हैं, बट अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, है ना, तो आदिम निर्वाह खेती बोला जाता है जो ये कुमारी खेती होती है पश्चिम घाट में, ये जो हमारा वेस्ट घाट है ना, वेस्ट घाट के जो पर्वत है, इधर जो जनजातियां रहती हैं, वो जनजातियां को जो कृषि करती हैं, खेती करती हैं पहाड़ों पर, उसको कुमारी बोला जाता है,
और कौन लोग करते हैं, ध्यान रखोगे आदिम निर्वाह कृषि, आदिवासी लोग करते हैं, ध्यान रखोगे अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप ध्यान रखोगे, जैसे मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है सर, दहिया, दहिया या फिर वेबर के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना, क्लियर हो गया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। अब आ जाओ देशों में भी, अलग अलग देशों से जानते हैं। कहते पुरुष की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर रहे हैं, अभी उन्होंने आपको बताया है 22 मई को, है ना भाई, 22 मई को वो रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर आ गए हैं पहले, है ना, ध्यान रखोगे। भले ही उन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल जब जीता था, है ना, जो उनके सेकंड प्लेयर थे, जो सेकंड नंबर पे थे, वो जो सेकंड नंबर का खिलाड़ी है वो इनको कभी भी आगे नहीं निकलने देता था, लेकिन वो टाइम आया गोल्ड मेडल वाला, जो ओलंपिक में ये जीते थे उस दिन ये उससे जीत गए कैसे भी करके, ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू उन्होंने मेहनत करी, रैंकिंग में भी उसको पिछाड़ा है, ये चीज ध्यान रखना। ये हो जाते हैं पहले नंबर पर, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बोलते ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं, अब जरा बताओ कौन सा बजा लेते हैं भाई। देखो ये बजाते तो तबला थे भैया पहले, ध्यान रखोगे तबला वादक थे ये पहले तो, है ना, ध्यान रखोगे तबला वादक थे, लेकिन वो अब फिर कौन सा बजाने लगे, क्या फिर वो मैंडोलिन, गिटार, घटम या फिर पखावज, क्या चीज वो बजाने लगे, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे। क्या है एस्थेटिक, ये बच्चा गलत लिख रहा है, गलत लिख रहे हो, 87.85 नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट के बाद ठीक करो उसको, आप अच्छा कर सकते हो, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो दो क्या लगाओगे इसमें से, तो मैंडोलिन तो नहीं बजाते थे सर, घटम इज द राइट आंसर, जो हमारा एक घड़ा होता है ना, घड़ा, है ना, घड़े के ऊपर रबड़ लगाई, है ना, या फिर चमड़ा लगाया और बजाना चालू कर दिया, साइड से भी बजा सकते हो इसको, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब ईंट लेके मत बजाने लगना, वरना तो ना तुम्हारा घटम रहेगा, ठीक है, और ना तुम बजा पाओगे। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखो सर स्वर्ण कमल धनुष को भी मिला हुआ है, मनोज वाजपेयी को भी मिला हुआ है ना, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे। बोलता है किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता, है ना, तो हम क्या लगाएंगे इसमें से, डैनियल मेदवेदेव इज द राइट आंसर, इन्होंने ही तो जीता था भाई। लेकिन अगर हम बोले ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, है ना, ये किसने जीता है, नोवाक ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट, और ये इटालियन ओपन अभी किसने जीता है, वो इन्होंने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, तो क्या लगाओगे, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर या फिर जबलपुर, है ना। बोलते हैं भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये किस शहर में किया गया था सर, हैदराबाद में, किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, अद्वितीय रॉक संग्रहालय। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी। कहते हैं अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था सर, 11, 12, 10 या फिर 15, अकबर के टाइम पर भाई, सूबा यानी कि प्रांत यानी कि स्टेट, है ना, ध्यान रखोगे, सूबा यानी कि प्रांत यानी कि स्टेट, है ना भाई, ये ध्यान रखोगे। अब आप जरा सोचो कि अकबर के टाइम पर ये कितने थे, है ना, तो क्या लगाओगे, ये बोलते हैं 11, 12, 10 या फिर 15। देखो अकबर के टाइम पर सर स्टेट थे कितने, 12, ठीक है, 12 थे, ठीक है, 12 उसने बना लिया अपना पूरा साम्राज्य भाई। देखो बाबर तो बस 4 साल ही तो रहा है, ठीक है, उसके बाद हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता हुआ रहा, कभी आया कभी गया भाई, दो बार गद्दी पे बैठा था, यहां स्टेबल नहीं हो पाया था ढंग में, स्टेबल अकबर ने करना स्टार्ट किया, उसने 12 कर लिए हैं स्टेट, जीतते 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 बढ़ाते, किसी शादी करके कभी कैसे करके कभी जीत जात के सब कुछ उसने तिगड़म लगाया, ठीक है, तो 12 हो गया। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने क्या काम किया, जहांगीर बोला मेरे बस की नहीं है, मैं 12 ही रखूंगा, 12 ही रखा उसके टाइम पर। उसके बाद आया शाहजहां, ध्यान रखोगे, शाहजहां ने बढ़ाकर वो कितने कर दिए, शाहजहां ने बढ़ाकर कर दिए 15, यानी कि उसने 3 ऐड किए, है ना भाई। उसके बाद कौन आया अगर आपसे पूछे, इसमें औरंगजेब, औरंगजेब ने बढ़ाकर कितने कर दिए, 20 या 21, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा औरंगजेब ने कब्जा किया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये हो जाता है हमारा राइट आंसर, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ।
बोलता है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल या फिर आप लगाओगे सॉफ्ट बॉल, है ना। तो लोना जो वर्ड है ये किस खेल में होता है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल या फिर सॉफ्ट बॉल, है ना। तो क्या लगाओगे, देखो जैसे मान के चलो आप कबड्डी, भाई सात सात प्लेयर ही तो खेलते हैं इसमें, कबड्डी में आप कबड्डी खेल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, आपको दो बोनस पॉइंट मिल गए, है ना, ध्यान रखोगे दो बोनस मिल गए, उसको क्या बोला जाता है, लोना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा कबड्डी के वर्ल्ड कप कौन जीता हुआ है, भारत, है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे, भारत जीता हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओगे, बोलता है चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान लगता है आपको, शाबाश, दो इधर, अनंत कुमार, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। चलो इधर लगाओ, क्या लगाओगे, किसमें से क्या होता है, ये सी वाले गलत हो जाएगा, ए था उसका राइट आंसर, एक तो बी बोल रहा है ऋषिपाल, गलत हो जाएगा भैया। चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है, बूंदी शैली। देखो चाहे कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित हो, है ना, ध्यान रखोगे, या फिर पक्षी और जानवरों से संबंधित हो, वो बूंदी शैली है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं, मतलब उस देश में आज से कोई हमारा पीएम गया ही नहीं था, सोचते थे थोड़ा बहुत व्यापार होता है, क्या ही जाना वहां पे, है ना। तो क्या लगाओगे इधर, प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं, तो वो पपुआ न्यू गिनी पर गए, और वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है मोदी जी को, है ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना, पपुआ न्यू गिनी। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा ये जो पपुआ न्यू गिनी है, ये पपुआ जनजाति होती है, कहां से गए थे पता है पपुआ लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप, यह ज्यादातर जो जनजातियां है ना पूरे विश्व में फैली हुई है, वो यहीं से निकल के चली है अफ्रीका से, है ना, यहीं से निकल कर वो गए थे पपुआ न्यू गिनी की तरफ, मतलब न्यू गिनी की तरफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पे जाके उन्होंने पपुआ न्यू गिनी बना दिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक योजना के मामले में अवसर की समानता के बारे में बताता है। भाई मान के चलो आप जो है रोजगार की बात कर रहे हो कि भाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए रोजगार के मामले में, है ना, सबको बिल्कुल इक्वलिटी के साथ। अब सर चौदह में तो ये बताता है कि कानून की नजर में सब समान है, पंद्रह में धर्म, लिंग, जाति इनके आधार पर भेदभाव ना हो, ये बात को बताता है। सोलह में हमको ये बताता है रोजगार की समान अवसर, आरक्षण वारक्षण दे दा के सबको बराबर कर दो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और अठारह में उपाधियों के अंत की बात करता है, तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाते हो, बोलता है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर इसमें से, तो एक राइट आंसर दीजिए, ब्रिटेन की महारानी के जन्म के तौर पर मनाया जाता है, क्या था 1819 में ब्रिटेन की महारानी का जन्म होता है ना, ध्यान रखना, ऐसा एक महारानी नहीं आई है, कई सारी महारानी आई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1819 24 मई को जन्म होता है ब्रिटेन की महारानी का, तो उसी दिन से ये राष्ट्रमंडल दिवस, मतलब उस डेट को लेकर यह राष्ट्रमंडल दिवस डिक्लेयर किया गया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रमंडल में कौन कौन से देश आते हैं, जिन्होंने जो कभी ना कभी दबे हुए रहे हैं, कब्जे में रहे हैं ब्रिटेन के, ठीक है, वही लोग आते हैं इसमें, हमारा इंडिया भी आता है इसमें, ठीक है। हम राष्ट्रमंडल में कब शामिल हो गए थे, 1949 में हम शामिल हो गए थे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते टी बाला सरस्वती एक नर्तकी एक अभिनेत्री भी थी, जरा बताओ क्या लगाओगे, टी बाला सरस्वती, है ना, एक नर्तकी और एक अभिनेत्री भी थी, भरतनाट्यम की थी वो, ओके, टी बाला सरस्वती ध्यान रखोगे, किससे, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु के अंदर चलता है। मानस टाइगर रिजर्व हमको कहां पर देखने को मिलेगा सर, मानस हमारे टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा असम के अंदर, वहीं पर काजीरंगा भी है, डिब्रू सखोवा भी है नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाओ, मानस टाइगर रिजर्व जो है, मानस नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये ध्यान रखोगे ये किस नदी के किनारे पर है, मानस नदी के, और मानस किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, बोला सर द रोड अहेड ये 1995 में आई थी, है ना, किसकी है ये, ध्यान रखोगे बिल गेट्स, क्लियर हो जाएगी, द रोड अहेड इज द राइट, ये एमटीएस में पूछी गई है इस बार, ध्यान रखना, यानी एसएससी की नजरों में है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता था, सर हमारे जो पदक थे वो 1+2+4 आए थे, राइट, 7 टोटल पदक आए थे हमारे किसमें, टोक्यो ओलंपिक में, है ना।
तो इन चार मैच, ये जो चार कांस्य हैं, ब्रॉन्ज हैं, उनमें से एक कौन लाई है? पीवी सिंधु भी लाई है ना। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन एकल में कांस्य पदक इन्होंने जीता, और पीवी सिंधु ध्यान रखना इन्होंने 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर लाई थी, है ना भाई, सिल्वर लाइन। इस बार वो ब्रॉन्ज लेकर आई थी। बहुत बड़ी प्लेयर है, आपको बताया सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखो। कहां पर किया था वो? लखनऊ के अंदर इवेंट हुआ था सैयद मोदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? कोई एक स्मारक केरला के अंदर है, और वो केरल का सबसे बड़ा स्मारक है, 40 एकड़ में फैला हुआ है। अब वो कौन है जरा बताओ भाई सोच के, क्या बेकल का किला है, या फिर मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, या फिर वल्लुवर कोटम है, या फिर पद्मनाभपुरम है? तो आप क्या लगाओगे? बेकल किला इज अ राइट आंसर। ओके, बेकल किला। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में नहीं? सर ये तो केरला में है, ये तो जी केरल में है, है ना, और केरल में 40 एकड़ में फैला हुआ है। कब बना था सर ये? 1650 के आसपास बना हुआ है, 1650 के आसपास बना था, है ना। तो ये तीनों है, वल्लुवर कोट्टम है, पद्मनाभपुरम है, ध्यान रखो अगर ये। अच्छा ये बताओ पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? कौन बच्चे बताएगा जरा बताओ। बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, जरा बताओ किसने लागू किया? आईपीसी की बात कर रहा है सर, है ना, ये जरा बताइए क्या लगाओगे? आईपीसी, लॉर्ड कैनिंग, मेयो, लिटन या फिर डफरिन? ये कैनिंग के टाइम पर हुआ था, है ना। आईपीसी कब शुरू होता है ध्यान रखोगे? इंडियन पिनल कोड, ये होता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। देखो लॉर्ड कैनिंग जो था 1856 और 57 में, ये क्या बनकर आया था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखो बेचारा ये बढ़िया आदमी था, इसको आप इतना घटिया नहीं बोल सकते, घटिया थोड़ा सा डलहौजी आ गया था, वो भी आम जनता के लिए नहीं, राजा महाराजाओं के लिए डलहौजी, थोड़ा सा घटिया था, ठीक है। देखो क्या डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक वो यहां पर रहा था, उसने रेलवे का विकास धड़ाधड़ किया अपनी सेना पहुंचाने के लिए कि कहीं पर विद्रोह वगैरह हो तो सेना पहुंच जाए, लेकिन आज रेलवे का यूज हम ज्यादातर सवारी ढोने के लिए और माल ढोने के लिए दबादब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही, ठीक है, लेकिन उसने सैनिकों को पहुंचाने के लिए किया था उस टाइम पे। अब उसने इस बीच में क्या काम किया था? हड़प की नीति चलाई थी, है ना, कि भाई गोद लेकर आप दूसरे के लड़के को अपना राजा नहीं डिक्लेयर कर सकते। इसने कई ऐसे रूल बना दिए, है ना, उस रूल वो तीन तरीके का रूल बनाया था हड़प की नीति में, तो सभी जो राजा थे वो बुरा मान गए थे जो इस नीति के अंतर्गत आ रहे थे। अब इसने तो वो बीज जो है बोया, अब वो कटा किसके टाइम पर? वो इस बंदे के टाइम पर कटा, यानी कि कैनिंग के टाइम पर। क्यों? कैनिंग अब यहां पे 56 में आ गया, 57 में क्रांति हो गई बहुत तगड़ी, अब क्रांति हो गई तो बस इसके सर पे सारा बम फूटा, फिर इसको ही क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय भी डिक्लेयर कर दिया गया था, भारत का प्रथम वायसराय इसको डिक्लेयर किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। और इसी के टाइम पर भारतीय दंड संहिता की भी क्या होती है? स्थापना की जाती है। तीन विश्वविद्यालय भी बनाए गए थे इसी के टाइम पर, कैनिंग के टाइम पर, 1859 के आसपास, ठीक है, इसी के टाइम नहीं, 1859 के आसपास नहीं, 1856-57 में बनाए गए थे तीन विश्वविद्यालय, बंबई, इसमें बंबई प्रेसिडेंसी में भी, मद्रास में भी, बंगाल प्रेसिडेंसी में, इसी के टाइम पर। नेक्स्ट कहता है स्टॉक होम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? है ना, 2022 की थी, ठीक है सर, है ना, स्टॉक होम, ठीक है। अब इसमें कौन सा जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, गोल्ड मत समझने लगना। नेक्स्ट आ रहे हो, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? जरा बताओ क्या लगाओगे? सबसे छोटा किसका है फिर कार्यकाल इसमें, है ना, सबसे छोटा है बलिराम भगत का, 1976-77 बस एक साल का कार्यकाल था। किसका था एक साल का कार्यकाल? बलिराम भगत का, ये ध्यान रखना, है ना। तो आप क्या लगाओगे इसमें से लोकसभा के सबसे लंबा कार्यकाल किसका? तो सर बलराम जाखड़ का था, 1980 से लेकर 89 लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, काफी लंबा कार्यकाल था इनका, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे ही रखोगे, क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ गए आप लोग? सबसे लंबा कार्यकाल जाखड़ का, सबसे छोटा बलिराम भगत का, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। और आज कौन है लोकसभा के स्पीकर? पहले कौन थे, है ना, पहले कौन थे? जीवी मालवांकर। आज कौन है, ठीक है, आज कौन है बताओ? भारत में बजट की प्रणाली के कार्यकाल में शुरू हुई, भाई बजट जो आया था सबसे पहला वो किसके टाइम पर आया था, है ना,
7 अप्रैल 1860 की बात है, ये चीज ध्यान। अच्छा ये बताओ 1860 में आया था या 61 में आया था, कब आया था पहला बजट? 7 अप्रैल को आया था, ये ध्यान रखना। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने। आज हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत इसको पेश किया जाता है, बजट को, है ना, ये ध्यान रखना। किसके टाइम पर? ये टाइम किसका था सर? टाइम था ये किसका? लॉर्ड कैनिंग का। वही जो अभी अभी हम देख रहे थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जिसके टाइम पर आईपीसी होती है स्थापना, ये चीज ध्यान रखोगे, आईपीसी स्टार्ट हुई थी। तो कब? 60 या फिर 61, कब है जरा बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसमें से? बोलता है हाल ही में एनसीबी ने किस राज्य के तट पर 2500 किलो ड्रग्स जो है जब्त की है, है ना? सोचने वाली बात है भैया, है ना? ये आंध्र प्रदेश या फिर केरला या फिर सिक्किम या फिर असम, है ना? अब देखो 25,000 करोड़ की थी वो, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 25,000 करोड़ की थी वो, ये चीज आप ध्यान रखना। और क्या 2500 केजी थी वो, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और वो कौन सा हो जाता है ध्यान रखोगे, ये हो जाती है हमारी कहां पर? केरल के कोस्ट पर, केरला, ठीक है? 60 वाले बच्चे ठीक है, ठीक है, ध्यान रखोगे केरला के कोस्ट पर इतनी सारी ड्रग्स पकड़ी गई। कैसे आई? एनसीबी का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली। बोलता है 13वें आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज या फिर भारत, है ना, किसके द्वारा किया जाएगा? तो सर ये 13वां जो है ना अभी हमारे देश में होने जा रहा है ना, 2023 में ये भारत में होने जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, भारत में होने जा रहा है। तो ये हमारा हो जाता है भारत इज द राइट आंसर। इससे पहले कहां हुआ था सर? 12वें नंबर का। तो 12वें नंबर का 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, है ना, ये इंग्लैंड में हुआ था, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। और ध्यान रखोगे इससे पहले 11वें नंबर का कहां पर हुआ था सर? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई थी। फिर उससे पहले 10वें नंबर का कहां पर हुआ? भारत में हुआ था, भारत ही जीत गई थी। तो लास्ट 3 टाइम से तो यही हो रहा है कि जो होस्ट है वो ही जीत रहा है, है ना। इस बार देखो क्या होता है, है ना। चलो बताओ क्या लगाओगे, नेक्स्ट पर आ जाओ। बोलते द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा? चेतन भगत, विक्रम। अगर कहीं जैसे इंडिया में पाकिस्तान भी आएगी, अगर पाकिस्तान यहाँ आके जीत के चली गई, ठीक है, कितनी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, अगले साल वैसे ही इलेक्शन है हमारे देश में। चलो बोलते हैं द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा था? तो वो चेतन भगत, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह और अरविंद अड़िगा। तो क्या लगाते हो इसमें से? डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाता है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा था? अरविंद अड़िगा का है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? तो वो कौन बने हैं सर? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड वो हो जाएंगे दिनेश कुमार शुक्ला, इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है निम्न में से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल लगता है आपको? भूटान का एक राष्ट्रीय खेल, तो कौन सा हो जाएगा? हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी। सर भूटान का तीरंदाजी है, मंगोलिया का भी सेम है, है ना, मंगोलिया का भी है, ये भी बात आप ध्यान रखना। अच्छा पाकिस्तान का तो हॉकी है, फिर भारत का क्या है, है ना, जरा बताना। पाकिस्तान का तो सर हॉकी है, हॉकी, तो भारत का क्या है जरा बताइयो कोई बच्चा, ठीक है, ये सर भारत का खेल है ये वाला राष्ट्रीय खेल, है ना, कोई भी बता दो, देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है, कि उसके यहां से पोलियो से डेथ हुई है 2023 में? देखो किसी भी देश में कोई भी मतलब यही नहीं था कि पोलियो से किसी की डेथ हो जाएगी, लेकिन एक देश ने बोल दिया। अब वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान, उनके यहां हो गई। सी इज द राइट आंसर, यानी कि वहां आज भी जिंदा है, है ना। हम कहते थे कि भाई दुनिया में अब तो पोलियो खत्म हो गया है ना, अफ्रीका में भी खत्म हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, अगर वहां खत्म हो गया तो इसका मतलब पूरी दुनिया में खत्म हो गया है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। कहता है सर किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किसकी? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर महाराष्ट्र, है ना? तो वो कौन सा हो जाता है सर? तमिलनाडु। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए किताबें घर पहुंचा दी जाएंगी जो उनको चाहिएगी होगी। अब एक और चीज, दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे, जैसे आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, तो दिल्ली के अंदर ऐसी बसें चलती हैं, बसेज हैं, ध्यान रखोगे, वो जैसे बड़े बड़े एरिया हैं ज्यादातर, अभी तो सिर्फ इतना बड़े बड़े एरियाओं में ही वो बस जाएगी, वहां जाके खड़ी हो जाएगी, एसी रहेगा उसमें, अंदर जाओ चेयर डली हुई है उसमें,
अंदर जाओ आराम से पढ़ो पूरा दिन शाम तक, है ना, और फिर वो चली जाएगी अगले दिन फिर आ जाएगी, है ना। तो ये एक चलती फिरती लाइब्रेरी है दिल्ली के अंदर, ये भी आप कह सकते हो। किसने उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे। उपन्यास है सर, ठीक है, काला पानी, अब उसके लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। देखो हिंदी के लिए किसको मिला, बद्री नारायण को मिला। इंग्लिश के लिए किसको मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अनुराधा रॉय को मिला, ठीक है। लेकिन हमसे तमिल वाला पूछा है, अब है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे कि काला पानी के लिए किसको मिला इनमें से, है ना, स्वदेश वर्मा है, बद्री नारायण है, या फिर राजेंद्रन है। तो हम लगाएंगे इसमें से कौन, एम राजेंद्रन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। तमिल के लिए हमसे वो पूछा है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अभी दो तो इनमें से ही लगा रहे हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है सबसे पहले, है ना, तो जरा बताओ क्या लगाओगे। बोला सर उसने हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है, तो क्या लगाओगे एक राइट आंसर। उसमें तमिल के लिए पूछा था, तुम अभी भी उसमें लगाए जा रहे हो, जबकि मैं बोल दिया तुमको कि हिंदी का अलग है, हिंदी का बद्री नारायण को मिल गया और इंग्लिश का अनुराधा रॉय को मिल गया, लेकिन आपसे दूसरा वाला पूछा है तमिल वाला, तो तमिल वाला ढूंढो ना काला पानी के लिए, ठीक है। चल तो हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है, सर डल झील में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर डल झील में आपको एलिगेटर गार मछली पाई गई है, ध्यान रखना। डल और बुलर दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी हमारे देश की जो मीठे पानी की है, वो वुलर है, हालांकि डल भी मीठे पानी की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मीठे पानी की झील में दोनों बड़ी बड़ी आती हैं। भारत में किस उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, यानी कि ध्यान रखोगे किस उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है, 14, 18, 17 या फिर 16, तो आप लगाओगे 18 इज द राइट आंसर, ओके 18 इज द राइट आंसर। आपको पता है वोटिंग की आयु भी इतनी है 18, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाओ, बोल अच्छा तुम्हें एक बात पता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक ये चीज उड़ी थी बहुत ज्यादा कि 18 वर्ष तो है फीमेल की शादी करने की उम्र और 21 वर्ष है मेल की शादी करने की उम्र, है उम्र, है ध्यान रखोगे, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अब इनके बारे में जो है ये था, अब सरकार ये चीज करना चाह रही थी, अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट में किसी ने डाल दी कि भाई सरकार जो है दोनों को इक्वल पे करना चाहती है, 21-21, 21 ही मेल की और 21 ही फीमेल की, ये करना चाहती है ना सरकार। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट बोला ये नहीं होगा, इसको ही रहने दो और ये ही अच्छा है, ठीक है। तो अब तुमने देखा होगा ये मुद्दा शांत सा हो गया थोड़ा, है ना, तो वो यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वेटिंग फॉर वीजा किसकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। मूक नायक किसकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, है ना, ध्यान रखोगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 को किसको मिला है, ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर घर से बताओगे, मैं 9 PM पर आपको मिलूंगा एसएससी पर, ठीक है। एसएससी पर आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री के लिए मिलेंगे वहां पर 9 बजे, इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे वहां पर। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके। कह रहा है मिशन वर्दी, सुनो मेरा गलत हो गया, ढोल पीट पीट के बता दो सारी स्कीम गलत होने की क्या है। बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।